सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस, आज हम दोबारा से खेले GTA 5। और गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा औसम होगा, क्योंकि गाइस आज अपन लावा टाइटन से फाइट करने वाले हैं। एंड गाइस, आज अपन लावा टाइटन को रोकेंगे लॉस सैंडोस को तबाह करने से, क्योंकि गाइस देखो, लावा टाइटन लॉस सैंडोस पे अटैक कर दिया एंड चारों तरफ लावा की सुनामी ला दी उसने, सब कुछ डूब चुका है। एंड जो भी लोग बच गए वो लोग चले गए पहाड़ की तरफ। सो गाइस, अपन का इस लावा टाइटन को रोकना ही होगा, नहीं तो पूरी की पूरी लॉस सैंडोस को तबाह कर देगा। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखते रहना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। सो खैर गाइस, चलो पहले तो उस लावा टाइटन से बात करते हैं। अगर गाइस लातों की बहुत बातों से मान जाए तो क्यों लातों का यूज करना। सो इसके लिए चलो गाइस, सबसे पहले तो उससे बात करना पड़ेगा। और चलो गाइस, इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, मतलब मैंने ही लाया है छोटे वाले हेलीकॉप्टर। सो इससे अपन चलेंगे उसके पास। और गाइस, अगर बात करने से चला जाए, अटैक करना रोक दे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो गाइस अपन को टोनी स्टार्क या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज से कोई हेल्प करना पड़ेगा, जिससे कि लोग अपन का मदद कर दे एंड अपन इस लावा टाइटन को रोक पाए। गाइस अपन इसके पास आ गए और इसका साइज देखो गाइस कितना ज़्यादा बड़ा है भाई साहब, इतनी बड़ी टाइटन को अपन कैसे हराए। लेकिन गाइस इसको तो हराना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी लॉस सैंडोस को तबाह कर देगा। चलो गाइस, अपन इधर उतरते हैं एंड इससे बात करते हैं। ओए लावा टाइटन, क्यों तू अटैक करने आ गया इधर? आज मेरे हाथ मरने के लिए एक और इंसान आ गया, आज मैं तुझे तबाह कर दूंगा, तेरे साथ पूरी लॉस सैंडोस को भी तबाह कर दूंगा। लावा टाइटन के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं तबाह कर दूंगा, तुझे मैं लॉस सैंडोस को तबाह करने नहीं दूंगा। इतना छोटा इंसान और मुझे धमकी दे रहा है, तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, मैं तो ही वही दर को चेंज कर दूंगा। ये ले, मैं अभी चारों तरफ थंडरिंग शुरू करता हूँ, इससे ही तू बचने पहले। गाइस इसके पास तो बहुत ही ज्यादा पावर है, इसने बोला है कि थंडरिंग शुरू करता है, वो थंडरिंग देखो शुरू हो गया। भाई साहब, अपन इसको कैसे रोके? लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला, रुक जाओ गाइस, अपन इससे इसको मारते हैं। ए ले, अरे भाई साहब, इसके आंख तक तो मेरे गोली ही नहीं जा रहा, भाई इसको कैसे मारे अपन? और इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा इसको, अरे भाई साहब। रुको गाइस, अपन इसके ऊपर 8 पीस छोड़ते हैं, देखते हैं इससे क्या होता है। अरे भाई साहब, RPG का धमाका देखो, बिल्कुल छोटा है इसके सामने, इसको अपन कैसे रोके? ए ले टाइटन के बच्चे, इसका आंख पे मारते गाइस, लेकिन इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा, भाई साहब इसको अपन कैसे रोके? छोटा सा इंसान, भाग जा इधर से, नहीं तो लॉस सैंडोस के साथ मैं तुझे भी तबाह कर दूंगा, फसल के रख दूंगा तुझे मैं। गाइस भागो यार, इसको तो अपन यूं ही नहीं रोक सकते। गाइस इसको अपन ने कितने सारे RPG मारा लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ, भागो यार, इसको अपन रोक नहीं सकते। गाइस इसको रोकने के लिए अपन को टोनी स्टार्क या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि गाइस वो लोग भी लॉस सैंडोस पर हैं और वो लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेगा। चलो गाइस, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। एंड गाइस, टोनी स्टार्क एंड डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों ही चले गए पहाड़ के ऊपर, क्योंकि गाइस टोनी स्टार्क का जो मैंसन था वो भी डूब गया लावा सुनामी में। सो गाइस उनके पास ही चलते हैं, उनके पास तो कोई ना कोई आइडिया होगा। गाइस इधर टोनी स्टार्क एंड डॉक्टर स्ट्रेंज है जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ पर है। चलो गाइस उनको देखते हैं वो लोग कहाँ पर है, क्योंकि गाइस वो लोग कुछ तो काम कर रहे थे इस चीज़ के लिए। ऑलराइट गाइस, उधर कुछ तो दिख रहा है। ओके गाइस, ये देखो डॉक्टर स्ट्रेंज हवा में उड़ रहे हैं, और गाइस ये क्या कर रहे हैं पता नहीं गाइस, और इधर टोनी स्टार्क भी कुछ कर रहे हैं, भाई साहब दोनों ही काम कर रहे हैं। अरे वो डॉक्टर स्ट्रेंज सुन ले यार, पूरी लॉस सैंडोस तबाह हो रहा है, कुछ तो कर दे यार। हे फ्रैंकलिन, वो एक काम तो मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरी डायमंड से पावर लाकर इस सूट में डाल रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक सूट अपन दोनों मिलके बना रहे हैं, इसके अंदर मैं आइस की पावर डाल रहा हूँ, इसको पहनने के बाद तू इस लावा टाइटन को हरा सकता है। टोनी भी अपना काम कर रहा है, उसके काम लगभग खत्म होने वाला है। अरे हाँ फ्रैंकलिन, मेरे काम भी खत्म होने वाला है, बस मैंने इसको बना ही लिया समझ ले, थोड़ी देर रुक जा, इस सूट फिर बन के तैयार हो जाएगा। A few moments later. अरे हाँ फ्रैंकलिन, अभी बिल्कुल तैयार है, इसको पहन ले तू। सॉलिड गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड टोनी मिलके एक सूट बना लिया, चलो गाइस फटाफट इसको पहन लेते हैं, देखते हैं कौन सा सूट है। ऑलराइट गाइस, देखो अपन ने वाला सूट को पहन लिया है, एंड गाइस इसका लुक तो देखो बहुत ही ज्यादा औसम है, अपन तो आइस मैन बन गए, मतलब गाइस आइस मैन तो नहीं, आइस की गॉड बन गए भाई साहब। टोनी स्टार्क एंड डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों मिलकर इसको बनाए, क्योंकि गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज को सब कुछ पता है किस वक्त पर क्या करना चाहिए। लेकिन गाइस इस सूट के पास पावर कौन सी है? वही डॉक्टर, इसके साथ तो मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं इसका? अरे हाँ फ्रैंकलिन, मैं तो भूल गया, रुक जा, इसका पावर को मैं एक्टिवेट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज बोल रहा है कि अपन की पावर को एक्टिवेट कर दिया, चलो गाइस उड़ के देखते हैं। यस गाइस, अपन उड़ सकते हैं भाई साहब, इसने तो बिल्कुल आइस मैन बना दिया अपन को। चलो गाइस, अब इस लावा टाइटन की बारी है, इधर से देख सकते हो गाइस उसकी हालत क्या है, कितना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन गाइस इस पावर के साथ अपन उसको यू ही रोक सकते हैं।
गाइस उस टाइटन के पास जाने से पहले अपन को लाभ का कुछ करना पड़ेगा। चलो गाइस अपन चलते बादलों के ऊपर एंड गाइस उधर चल के अपन अपनी कोल्ड ब्रिथ से पूरी की पूरी लॉसेंट्स को जमा डालेंगे और उसकी लाभा भी जम जाएगा। ऑल राइट गाइस अपन तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गए, लेकिन गाइस चलो अपना कोल्ड ब्रिथ से पूरी की पूरी लॉसेंट्स को जमा देते हैं एंड देखते हैं गाइस वो कैसे अपन की ब्रिथ से बचता है। चलो गाइस चारों तरफ बिल्कुल जम रहे हैं। चलो गाइस अपन ने पूरी की पूरी लॉसेंट्स को जमा दिया है, अभी उस टाइटन की बारी है। लेकिन गाइस ये टाइटन तो अभी तक नहीं जमा है भाई साहब, और गाइस अभी तक मेरे को लाभा भी दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। गाइस अपन ने तो चारों तरफ की सब कुछ को जमा दिया था। और लाइट गाइस देखो मेजबैन के टावर के ऊपर भी बर्फ है, लेकिन गाइस अपन को इसको भगाना पड़ेगा तब जाके शायद पानी भी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि गाइस ये टाइटन इतना ज़्यादा पावरफुल है, अभी तक चारों तरफ लाभा है। चलो गाइस इसको अपन को हराना ही पड़ेगा इस टाइटन की वैसी की तैसी। एक और इंसान आ गया मेरे हाथ मारने के लिए, इसको बिल्कुल जमा देंगे अपन इसकी तो ऐसी की तैसी। अरे अरे भाई साहब फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा। चलो गाइस इसके अंदर चलते हैं, इसके मुंह के अंदर से अपन अंदर जा सकते हैं, इतनी बड़ी मुंह है इसका। और रेड गाइस अपन टाइटन के पेट के अंदर आ गए, मतलब गाइस मुंह के अंदर। देखो गाइस इसके अंदर से बिल्कुल लावा आ रहा है, चारों तरफ बिल्कुल जल रहा है। और गाइस इसके मुंह को अपन ने जमा दिया था जब अपन अंदर आए थे, इसके मुंह को अपन ने जमा दिया बिल्कुल, इसकी तो ऐसी की तैसी। इसको बिल्कुल जमा देंगे अपन आज, इस टाइटन की खैर नहीं। और लाइट गाइस अपन ने इसको अंदर से इतना ज़्यादा जमाया, देखो गाइस ये गिर गया है शायद, पता नहीं गाइस बाहर चल के पता चलेगा। चलो गाइस बाहर चलते हैं, देखते हैं इसके साथ क्या हुआ है। देखो गाइस अपन ने लावा टाइटन को गिरा दिया है फाइनली, और इसके ऊपर भी चारों तरफ बर्फ जम रहे हैं अभी। सो गाइस अपन से पंगा लेने आया था। छोटे इंसान तूने मुझे सुला दिया है, मैं अभी इधर से चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बदला लेने मेरा भाई जरूर आएगा, वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। मैं इधर से जा रहा हूँ। ऑल राइट गाइस वो टाइटन भाग गया एंड उसके साथ उसकी लावा सुनामी भी भाग गया। और गाइस लॉस्ट सुनामी अभी बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका है, लेकिन गाइस चलो अपन थोड़ा अपनी पावर को टेस्ट करते हैं, क्योंकि गाइस अपन को आज के लिए ये वाला आइस पावर मिला है, मतलब गाइस आइस गॉड की पावर। अपने पास तो बहुत ही ज़्यादा आइस पावर है, देख रहे हो गाइस अपन ने पूरी की पूरी लॉस्ट को जमा दिया है। गाइस अपन ने चारों तरफ सब कुछ जमा दिया है, लेकिन गाइस पानी अभी तक देखो नहीं जमा है। तो चलो गाइस इस पानी को जमाने की कोशिश करते हैं, क्या फ्रीज हो जाएगा देखते हैं गाइस। अरे भाई साहब पानी को तो कुछ नहीं हो रहा गाइस। चलो गाइस इस तालाब को जमाने की कोशिश करते हैं। अरे चलो गाइस इसको अपन बिल्कुल जमा देंगे एंड बूम गाइस देखो अपन ने पूरी की पूरी लेक को जमा दिया है। सो गाइस देख रहे हो अपन ने पूरी की पूरी एक लेक को जमा दिया है। गाइस पानी को जमाना थोड़ा मुश्किल है, सो इसलिए अपन को ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन गाइस छोटा सा लेक था सो इसलिए अपन इसको जमा दिया है। ऑल राइट गाइस अपन आइस गॉड बने, लेकिन गाइस अपने पास पावर भी बहुत ही ज़्यादा है। अपनी पावर देख रहे हो गाइस एक एक झटके में सब कुछ फूट रहा है भाई साहब, अपने पास तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली पावर है। अरे अपने साथ पंगा लो, अरे अरे भाई साहब ये क्या हो गया गाइस, अचानक से पूरी की पूरी वेदर चेंज हो गया एंड गाइस सारे बर्फ सब कुछ पिघल गए। एंड गाइस ये क्या हो रहा है, फिर से सुनामी भी आ गया, लेकिन गाइस इस बार जो सुनामी है लावा नहीं है। अरे भाई साहब एक और मॉन्स्टर आ गया, अरे ये कौन है गाइस, इसीलिए शायद सुनामी आ गया। और गाइस ये शायद उसकी बड़े भैया है, पता नहीं गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। क्या तो ये आइस गॉड है जिसने मेरे भाई को मार के गिराया है, मैं उसके बदला लूंगा, आज तुझे मैं तबाह कर दूंगा और साथ ही साथ इस शहर को भी। गाइस सच में ये तो उसकी बड़े भाई है भाई साहब, इसकी पावर तो उससे भी ज्यादा है शायद। चलो गाइस अपन अटैक करते हैं इसके ऊपर, देखते इससे क्या होता है। अरे भाई साहब इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं हो रहा। कितना बेवकूफ है तू, मैं भी आइस से बना हुआ हूँ, मेरे ऊपर कोल्ड ब्रिथ का कोई विवेक नहीं होगा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे भाई को तूने रोक लिया था लेकिन आज मैं तुझे तबाह कर दूंगा। अरे भाई साहब भागो यार, गाइस इसके ऊपर तो अपना अटैक का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। चलो गाइस फिर से टोनी के पास चलना पड़ेगा। तुझे इतना देर लग गया, मुझे तो पता ही था ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने एक और सूट बना लिया है, इस सूट में फायर की पावर है, मतलब तू आज फायर गॉड भी बन जाएगा। तू जाने के बाद ही टोनी एंड मैं दोनों मिलकर इसको बना लिया है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है। अरे फ्रैंकलिन तू वेट क्यों कर रहा है, जल्दी से सूट को पहन ले एंड उस टाइटन को फिर से भगा। सो राइट गाइस इनको पता था ये टाइटन फिर से आएगा, इसलिए गाइस इन लोगों ने एक और सूट बना लिया। चलो गाइस ये वाला सूट कैसा है देखते हैं, चलो गाइस इसको पहन लेते हैं। ऑल राइट गाइस देखो अपन बन गए फायर गॉड, और गाइस अपनी पूरी शरीर में आग जल रहा है भाई साहब, अपन को भी कोई नहीं रोक सकता।
उस टाइटन को ऐसी तैसी, उसको अपना छोड़ेंगे नहीं। चलो गाइस, उस टाइटन की तो ऐसी तैसी आज अपन गाइस उसको तबाह कर देंगे बिल्कुल। लेकिन गाइस उससे पहले अपन की पावर को थोड़ा टेस्ट करते हैं, क्योंकि गाइस खुद की पावर को जाने बिना फाइट करने जाना बेवकूफ़ी है। चलो गाइस इसके ऊपर अपना पावर टेस्ट करते हैं। और ये भाई साहब अपने पास तो लेजर की पावर आ गया, देख रहे हो गाइस एक एक झटके में सब कुछ तबाह हो रहे हैं। ऑल राइट गाइस, अभी इसकी तो ऐसी तैसी, अभी इस टाइटन को अपन छोड़ेंगे नहीं गाइस। एले आज टाइटन के बच्चे, तेरी तो आज ऐसी तैसी। गाइस इसकी आँख सबसे कमजोर हिस्सा है, चलो गाइस इसके आंख पे ही मारते हैं। एले एले, इतना छोटा होकर तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ऊपर लेजर से अटैक करता है, तेरी तो ऐसी तैसी। एले मेरे, एक और अटैक। भाई साहब इसके अटैक बोलते ही देखो गाइस चारों तरफ मीटियोर की सवार हो रहा है। अरे भाई साहब इनके पास तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली पावर्स है। एले आग की फवारे। सो गाइस अपन इसके ऊपर आगे आग छोड़ रहे हैं, लेकिन इसको कुछ नहीं हो रहा। भाई साहब इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है। गाइस देखो अपन इसके ऊपर कितना ज्यादा आग छोड़ रहे हैं, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो रहा। भाई साहब इसको अपन कैसे मारे। गाइस इसकी भाई को अपन ने अंदर से जमाया था, और गाइस इसको अंदर से बिगलाना पड़ेगा। चलो गाइस इसके अंदर चलते हैं। इसके मुंह के अंदर तो सब कुछ आइस है, पता नहीं गाइस दोनों भाई कैसे हो सकते हैं। एक बिल्कुल लावा वाले टाइटन है और एक आइस वाला टाइटन है, दोनों कैसे रहते होंगे पता नहीं गाइस, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल आइस ही आइस है। चलो गाइस इसके अंदर सब कुछ गर्म करते हैं, इसकी तो ऐसी तैसी। एले एले इसको ऐसे अपन तबाह कर देंगे बिल्कुल, अंदर से इसको इतना ज़्यादा गर्म करेंगे ये अपने आप ही भाग जाएगा गाइस। चलो गाइस इसको अंदर से ही बिखलाते हैं, इसकी तो ऐसी तैसी, इसकी अपन आज काम खत्म करके दम लेंगे। एले एले सब कुछ तबाह कर देंगे तेरे अंदर के हिस्सा को, बिल्कुल जा कर राख कर देंगे सबको। एले ऑल राइट गाइस अपन बाहर आ गए, एंड चारों तरफ वेदर भी ठीक हो गया, सब मतलब गाइस ये शायद हार मान गया। अरे छोड़ दे मुझे, मेरे अंदर सब कुछ बिखर रहा है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरे सुनामी को मैं लेकर जा रहा हूँ, छोड़ दे मुझे, जल्दी से भाग जा टाइटन के बच्चे। हाँ हाँ ठीक है मैं भाग रहा हूँ, लेकिन अपन दोनों भाई मिलके फिर आएंगे तुम लोगों को तबाह करने, लेकिन अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। सो ऑल राइट गाइस देखो वेदर बिल्कुल ठीक हो गया, सुनामी भी चला गया, एंड दोनों टाइटन भी चला गया, और अपन भी फाइनली नॉर्मल हो गए। लावा टाइटन एंड आइस टाइटन दोनों को ही अपन ने हरा दिया है। सो गाइस आपको अच्छा वीडियो चला गया तो जरूर लाइक करना, एंड गाइस जिनको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो गाइस, अपना ट्रैकर में 1 लाख की बहुत ही पास है, तो गाइस सब्सक्राइब करो जल्दी से 1 लाख करवा दो यार। तो खैर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग।